हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सभी क्षेत्रीय ब्लॉग्स। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग तो ठीक ठाक होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज का जो दिन है जो बहुत ही बढ़िया है। देखिए आज जो है पूरा हल्का हल्का बारिश हुआ थोड़ा सा, तो अभी थोड़ा बारिश जैसा और शायद होगा क्या बारिश। देखिए बादल थोड़ा काला काला हो गया है। अभी सुबह थोड़ा हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ बारिश, तो अभी शायद बारिश होने का आशा है। शायद बारिश होने से अच्छा ही है, क्योंकि कल का दिन तो बहुत ही गर्म था। बाप रे बाप, इतना गर्मी दिया हुआ था तो बुरा हाल हो गया था। तो बारिश आने से सही है, बारिश आने से थोड़ा अच्छा है। तो आप सब लोगों ने कल का ब्लॉग देखा कि नहीं मेरा, तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तो आपका सपोर्ट मेरे को चाहिए, आपका सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ थोड़ा बाजार में। तो बाबू जाएगा ना? आ जा रहा है ना? अच्छा, तो हम लोग थोड़ा बाजार जा रहे हैं। ये रहा मेरा बेटा भी जाएगा बोल रहा है। तो अभी तो छुट्टी है स्कूल का, तो इसलिए अभी थोड़ा घूम के आएगा। तो हम लोग अभी निकलते हैं। तो देखिए हवा हवा चल रहा है अभी, थोड़ा मस्त हवा। आज का मौसम भी बहुत ही बढ़िया है एकदम। तो अभी निकलते हैं, तो जस्ट मेरा गाड़ी में निकलते हैं अभी। तो आगे आपको दिखाते हैं फिर कंटिन्यू। तो अब हम लोग निकल रहे हैं अभी गाड़ी से, अभी निकल रहे हैं। तो आगे मैं आपको दिखाते हैं कौन सा रास्ता जाए। गला रास्ता जाए, गला रास्ता जाए। तो आप हम लोग आपको दिखाएंगे अभी जो नया रास्ता मतलब हो गया कुछ दिन, हो गया बहुत दिन हो गया, तो वाला रास्ता से दिखाते हैं व्यू कैसा आता है। तो अभी जो बारिश भी आने का संभावना है, बारिश पूरा एकदम हवा हुआ मार रहा है, तो बारिश आएगा शायद। तो तब तक निकलते हैं हम लोग। निकलने के बाद में आपको आगे में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो गर्मी से, जो इतना दिन जो गर्मी था वो अभी गर्मी से थोड़ा सा राहत मिल गया है अभी। तो गर्मी इतना बड़ा हुआ था, बाप रे बाप। तो आगे अभी आपको दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि काम कर रहे थे ना। तो ये देखिए गौ माता आगे में जो रुका हुआ है।
थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा अभी पक्का हो गया है, नहीं तो पहले कच्चा था। तो अभी तो फिलहाल ब्लॉक का जो है रास्ता वास्ता बना दिया है अभी, तो उसके कारण से थोड़ा सा ठीक है अभी रास्ता। थोड़ा सा हाइट है पर थोड़ा ज़्यादा हाइट है रास्ता, जैसे बीच बीच में आते रहता हूँ मैं, कभी कभी उधर का ज़्यादा ट्रैफिक होने से फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। ये रहा रिफाइनरी यहाँ पे, तो सामान वामान अभी ले लिया, अभी बस निकलते हैं। चलो निकलते हैं ना, चलो निकलेंगे अभी, बस हो गया, बारिश हो रहा है हल्का हल्का। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, अभी वहाँ से एक जगह से अब थोड़ा सा एक सामान लेना है, फिर उसके बाद में फिर निकल जाएंगे। तो अभी आज का मौसम तो थोड़ा अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया अभी मौसम, तो बारिश वरिश हल्का हल्का दिया है, पर इतना बारिश भी नहीं हुआ, हल्का बूंदाबांदी जैसा ही हो रहा है, इतना अच्छा भी नहीं हुआ। थोड़ा ज़्यादा बारिश होने से तो मौसम और ठंडा हो जाना था, और तभी भी कल से थोड़ा सा राहत है अभी, जो बारिश जो हुआ है अभी, जो थोड़ा हल्का सा, तो ऐसा बारिश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। गर्मी से एकदम बेहाल हो गया था, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था, 40 के लगभग 40 डिग्री लगभग पहुँच गया था टेम्परेचर। तो अभी थोड़ा सा शांति है आज थोड़ा सा मौसम, और थोड़ा थोड़ा तेज से बारिश आने से तब और अच्छा है। अभी हम लोग रिफाइनरी के यहाँ पे पहुँच गए हैं, अभी फिर आगे में निकलते तो आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कुछ काम चल रहा है पाइपलाइन कुछ का अंदर से, तो इसलिए एक साइड में क्लोज कर दिया रोड और दोनों साइड से बना रहे हैं। तो कुछ पाइपलाइन जा रहा है, पानी का पाइपलाइन नहीं है, पानी और गैस का पाइपलाइन भी अभी काम चल रहा है, गैस का पाइपलाइन का भी, तो शायद वही है या तो पानी का होगा, इन दोनों में से कोई एक पाइपलाइन का यहाँ पे रहेगा। तो इसलिए एक साइड से अभी कर दिया रास्ता भी, तो बस अब निकलते हैं घर की ओर में। तो आप सब लोग को वीडियो कैसा लगा कल का, आप सब लोगों ने देख लिया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जो वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और ऐसा वीडियो बहुत आते रहेगा। और भी तो अभी निकलते हैं अभी सीधा घर में। तो अभी बारिश बंद हो गया अभी फ़िलहाल, तो बारिश हल्का हल्का दिया था, अभी बंद हो गया बारिश, शायद इस साइड में थोड़ा ज़्यादा हुआ है कि बारिश थोड़ा यहाँ पे थोड़ा बारिश ज़्यादा दिखाई दे रहा है रास्ता में पानी, तो यहाँ पे शायद ज़्यादा हुआ है। हम लोग जिस नूनमाटी साइड में गए थे तो वहाँ पे थोड़ा बारिश शायद कम आया है, वहाँ पे इस साइड में थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ है लग रहा है, क्योंकि रास्ता में थोड़ा पानी होने भी थोड़ा जमा हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे बारिश हुआ अच्छा हुआ, थोड़ा मौसम भी अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है। तो अभी घर में पहुँचते हैं, फिर घर में जाने के बाद में आगे में जो है कंटिन्यू करेंगे फिर उसके बाद में। और मेरा जो गाड़ी का जो है आगे का जो वाइपर जो है वो काम नहीं कर रहा है, उससे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा है मेरे को गाड़ी चलाने के लिए, थोड़ा ये भी वाइपर भी ठीक करना पड़ेगा। देखें आज तो टाइम नहीं मिलेगा, तो कल देखते हैं, कल आने के टाइम में तो देखता हूँ, तो उसका थोड़ा वाइपर भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो बारिश में ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बारिश आने से, तो इसलिए मैं जो ग्लास जो है साफ़ नहीं कर पा रहा था वाइपर से। नहीं, अगर कल आता हूँ तो कल आके ठीक करूँगा इसका। तो ये देखिए नया पुल जो है हम लोग का यहाँ का पत्थर पर
थे, फिर अब ये नया बनाया हुआ ब्रिज है तो अच्छा बनाया, बहुत बढ़िया बनाया है ब्रिज। तो साइड में और एक साइड के साइड में भी और एक काम हो रहा है, तो उधर से भी ब्रिज होगा। ये देखिए रास्ता उसका अच्छा हो गया, नाला वाला भी बना दिया है, बढ़िया थे। तो गवर्नमेंट जो है अच्छा काम कर रहा है, अभी रास्ता उस्ता बहुत बढ़िया हो गया पहले से। पहले जो था छोटा सा पुल था, तो अभी बहुत बड़ा बना दिया, तो उसके से रास्ता चलने के लिए अभी थोड़ा अच्छा हो गया। नहीं तो यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक थोड़ा जाम भी ज़्यादा हो रहा था उसके कारण से। तो अभी जो पुल है अच्छा हो गया, बड़ा हो गया पुल, तो उसके कारण से थोड़ा सा जाम थोड़ा कम हो गया। अच्छा है, ऐसा काम करने से रास्ता के लिए बहुत बढ़िया है। साइड में अभी शायद ये नाला का भी काम होगा, और कुछ इसमें बारिश में पानी पूरा फुल हो जाता था, तो करते हैं अभी। ये एक्सप्रेस स्टोर था सामने में, ये देखिए यहाँ पे जम के बारिश हो लगता था, पूरा साइड में बहुत ज़्यादा पूरा पानी में पूरा जमा हुआ है एकदम। कुछ वेदर कुछ चेंज हो गया है, जिसके कारण से क्या है कि एक साइड में बारिश होता है, एक साइड में बारिश कम होता है, कहीं कहीं कभी कभी होता ही नहीं है। तो जो ये सब ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसके कारण से बहुत सारा असर हो गया है, तो इसलिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ उड़ लगाइए जितना भी हो, पेड़ काटिए मत, पेड़ को लगाइए। पेड़ होगा तभी मतलब हम लोग का वातावरण जो है वो सुरक्षित रहेगा। उसी कारण से देखिए अभी इतना पहले कितना गर्मी नहीं होता था, अभी देखिए इतना गर्मी होने लग गया पहले के मुकाबले, पेड़ भी बहुत कम हो गया। तो इसलिए पेड़ वेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से ही हम लोग अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। पापा गए हैं पानी लेने, क्योंकि जो बोरिंग का पानी होता है वो थोड़ा अजीब सा होता है, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो पापा अभी मिनरल का वाटर 20 लीटर का लेने गए हैं, तो अभी मैं गाड़ी में हूँ। तो यहाँ पे इतना सारा सामान लिया हुआ था, देखिए वहाँ पे नॉट स्पॉन्सर्ड, मैगी नॉट स्पॉन्सर्ड, और बाकी सब नॉट स्पॉन्सर्ड है। ये देखिए अभी गाड़ी है, देखिए ये क्या हुआ बुलेरियो। देखिए अभी पापा पानी लेके आ जाएंगे, अभी 20 लीटर का कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा पानी जम चुका है, क्योंकि यहाँ पे तगड़ा वाला बारिश हुआ था। हाँ ये देखिए सामने बुलेरियो भी था, ये भैया यहाँ से जा रहे हैं। देखिए पापा उठा के लेके आए पानी का, देखिए देखिए पापा अभी लेके आ गए। 20 लीटर का पानी लेना पड़ता ही है, क्योंकि वो पानी अच्छा नहीं है, ये एक दिन में ख़त्म हो जाएगा 20 लीटर में। न्यूट्रीटा इज नॉट स्पॉन्सर्ड, सब नॉट स्पॉन्सर्ड है, ये बैली भी नॉट स्पॉन्सर्ड। देखिए अभी यहाँ पे आगे बहुत सारी गाड़ी भी है, यहाँ पे बैंक भी एक टू, और यहाँ से हम लोग का पानी लेके आया था। देखिए पापा भी आ गए, और यहाँ पे वो अभी जाएंगे हम लोग, देखिए रेड वाला गाड़ी, बुलेरियो भी है सामने। और यहाँ पे बहुत खतरनाक बारिश हुआ था, इसलिए पूरा पानी जम गया। मैं बहुत अभी निकलते हैं घर की तरफ, आगे भी आगे एक दो ठू घोड़ा है, कल भी देखा था हम लोगों ने, देखिए दो ठू घोड़ा, दोनों घोड़ा है। देखिए एक सामने आ गया और एक पीछे की तरफ, काला वाला ये ब्राउन वाला, तो बहुत खतरनाक होता है, लात मारने से आदमी उड़ जाता है एक बार में। ये देखिए कितना बड़ा घोड़ा है, खतरनाक है ये वाला घोड़ा, पीछे देखिए वाड़ है। मेरा भाई का स्कूल यहाँ पे पढ़ता है, UKG ए, ये अभी बंद है। ये है वेडनेसडे गांव बाजार, यहाँ पे आगे वो बैठा हुआ है, शनि बाजार और मंगल बाजार। हाँ शनि बाजार और मंगल बाजार ये, उसके बाद यहाँ से एक और रास्ता है, गली मेरा स्कूल जाने वाला।
अभी देखते हैं कंटिन्यू क्यों माइक क्यों भाई। अरे ये पूरा ट्रैफिक हो गया, देखिए पूरा भर चुका क्योंकि एक बड़ा ऑफिसर आया है। कितना कितना स्टार्स होगा वो ऑफिसर का, हाँ कितना स्टार होगा ऑफिसर का, कितना स्टार हो सकता है वो ऑफिसर का, यहाँ पे होते हैं ना स्टार्स, कितना होगा पूरा इसलिए भर गया है पूरा ट्रैफिक हो चुका। बोलबम चल रहा है ना तो मंदिर में बहुत सारे आदमी आए हुए हैं। शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये, बहुत पुराना होगा ना, 10 साल होगा, 10 साल से ज्यादा पुराना यह मंदिर है। हाँ पूरा ट्रैफिक हो चुका है, 5-6 मिनट से तो यहीं पे हम लोग। तो बोलबम का भी वीडियो आएगा, तो बोलबम वीडियो कब आएगा पता नहीं लेकिन जल्दी आएगा ना बोलबम का भी वीडियो। कब है बोलबम? लेकिन बोलबम आज कल आज ही तो था सुबह। अरे रात को होता है ना बहुत सारे लोग जमा होते हैं, वो कब है? वही आज ही था ना, बोला रात को होगा। आज हो गया खत्म, बोलो हो गया। अभी हर संडे को जाके रात को, सोमवार को रात को 12 बजे पानी चढ़ता है। 12 बजे से जो शुक्लेश्वर घाट में पानी चढ़ाता है, लेता है पानी तो कहां से? वशिष्ठा मंदिर से। वशिष्ठा मंदिर से पानी उठा के शुक्लेश्वर धाम में जो है पानी जो चढ़ाते हैं, जो कांवरिया जितने भी कांवरिया होते हैं तो उन लोग जो वशिष्ठा मंदिर से वो पानी लेके आते हैं नहा वहाँ के रात को 12 बजे। तो 12 बजे से लेके उठा के वहाँ से चलते पैदल, वहाँ से चलने के बाद में तो शुक्लेश्वर घाट में जाके पानी जो है चढ़ाया जाता है। तो आज भी ऐसा होगा? हुआ हो गया चढ़ाया। हम लोग कब करेंगे? यहाँ पे रात को भी हम लोग का, वहाँ पे रात को भी पूजा होते है ना, सब लोग जमा होते हैं फिर वो देता है। वो अभी लास्ट जब बाकी रहेगा ना, हाँ लास्ट सेकंड लास्ट वाला में तब होगा। ओ तब होगा तो मतलब अभी बहुत दिन बड़ा है ना, एक हफ्ता दो हफ्ता है। बाप रे देखे अभी अभी चले गए होंगे सच में ऑफिसर, इसीलिए सब लोग जा रहे हैं। ये देखिए अंदर कितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लोग नहीं है एक भी, अच्छा अंदर होंगे सच से। एक है अंकल यहाँ पे, वो देखिए मंदिर है। अभी हम लोग वहाँ से आ चुके, वहाँ पे बनाया नहीं देता इसलिए यहाँ पे देखिए बस गया अभी। तो ये देखिए यहाँ पे एक लेक जैसा भी है, आर्मी स्कूल का वाड़ा ट्रक, आर्मी स्कूल का नहीं है, अच्छा आर्मी का ही ट्रक है। 27 डिग्री सेल्सियस है अभी तापमान, अभी 27 तो बहुत कम हो गया क्योंकि पहले तो 38-39 था ना। देखिए अभी बारिश से कितना फर्क पड़ता है, बारिश आने से कितना जल्दी तापमान गिर गया, सोचो 10 डिग्री लगभग तापमान नीचे ही गया, 10-11 डिग्री तापमान। तो वही अगर बारिश नहीं आने से कितना ज़्यादा तापमान होना था, 38 के लगभग तापमान हो जाना था। तो देखिए अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, क्या नाम था इसका, ब्यूटी गेट, ब्यूटी गेट पहुँच गए आर्मी ये स्कूल के सामने सेंट्रल स्कूल। देखिए अभी बहुत सारा, देखिए अभी अंदर बहुत सारे बच्चे भी है। अभी मम्मी का फोन आया था कि कैलकुलेटर लेके आना है लेकिन नहीं जा सकते हम। देखिए वहाँ पे अंदर बहुत सारे बच्चे भी हैं खेल रहे। अभी सेंट्रल स्कूल तो खुल चुका है, मेरा स्कूल नहीं खुला क्योंकि मेरे स्कूल का हॉलीडे कम से देता है। यहाँ पे रास्ता भी बहुत ख़राब हो चुका है, वैसे पहले से और ख़राब हो गया, पानी आ चुका है। तो देखिए आप यहाँ पे आर्मी लोग भी है, सामने से गाड़ी आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक आर्मी सामने से गाड़ी आ रहा है, अभी रुकना पड़ेगा तो रुको ना। ये देखिए शीतल दीदी हम लोग का, आगे चलते हैं।
आगे भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी आ रहा है, ये आ गया इंडियन गैस, इंडियन गैस आ रहा है, इंडियन गैस। गैस लिया, अच्छे से कैमरा हो ही नहीं रहा स्टेबल। आर्मी कैन में एक जहाँ पे वो आउटपुश जैसा है वहाँ पर चला गया। पापा ड्राइविंग तो कर ही रहे थे, वो बहुत खराब रास्ता है, देखिए बहुत खराब रास्ता, देखिए हाथी ने तोड़ दिया था। जुडिक का शोरूम है, तो यहाँ पे भी निकलते हैं। तो अच्छा अच्छा कलेक्शन रखा हुआ है तो जुडिक में। कैसा लग रहा है कपड़ा, कपड़ा कैसा लग रहा है, कपड़ा कैसा है? अच्छा अच्छा लग रहा है, ये आपका माल लगाने देगा, दौड़ाएगा। कुर्ती उर्ती भी है आपका ना, कपड़ा का क्वालिटी भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, अच्छा क्वालिटी का। ये देखिए देख रहे हैं कपड़ा कुछ अच्छा मिलता है तो लेते हैं। तो मैंने अपने लिए दिखा था, मेरा वाला, मेरा वाला दिखा दो, तो मैंने अपने लिए ये वाला लिया, ये वाला टी शर्ट लिया। कमेंट कीजिएगा। अभी निकलते हैं आगे में, आगे में कुछ शॉपिंग करना है। बच्चे का स्टेशनरी का आइटम तो यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग जो है आगे में जाके तो लेंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छा है शोरूम, अच्छा है शोरूम है। तो दूसरे दिन आके फिर देखेंगे एक बार अच्छे से। तो थोड़ा बच्चे का भी अभी स्कूल छुट्टी होने वाला, खुलने वाला है, तो इसलिए अभी बच्चे का कुछ सामान जो है वो भी लेने के लिए आया हुआ था, तो अभी नहीं मिला, तो हम लोगों ने अपना शॉपिंग कर लिया। तो अभी थोड़ा आगे में जाएंगे, आगे में जाने के बाद में जो है स्टेशनरी का आइटम जो है वो लेते हैं। और ये देखिए मॉल कुछ ऐसा है, अच्छा है, आगे में कंटिन्यू करेंगे। फिर उनको यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है, लेडीज आइटम का है, पूरा रखा हुआ है। हो गया है, अभी फिर निकलते हैं अभी आगे में। तो ये देखिए ये था ब्रिज, ये था ब्रिज, ब्रिज था। तो अभी निकलते हैं। तो अभी हम लोग घर में पहुंच गए हैं, घर में पहुंच गए हैं। अभी घर में पहुंचने के बाद मैं अभी देखिए अभी मैं दुकान में थोड़ा जाता हूं। तो ये देखिए यहाँ पे आलू रखा हुआ है मेरा, यहाँ पे कुछ भीड़ लगा हुआ है, ये रहा मेरा बिल्ली, ये रहा यहाँ पे म्याऊ 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 म्याऊ, देखो कहाँ पे जाके छुप गया है, देखिए पेटी के अंदर में घुस गया है, देखिए कार्टून के अंदर में घुसा हुआ है, ये देखा म्याऊ म्याऊ म्याऊ, ये देखो ये रहा अंदर में घुसा हुआ है, दिख रहा है। तो अभी जाते हैं दुकान में, थोड़ा कस्टमर वस्टमर भी आएंगे, तो दुकान में जाके मैं फिर आएगा सीन फिर आपको बताते हैं। मेरा फैमिली बैठी हुई दुकान में आके, कोई कस्टमर आया हुआ था यहाँ पे, था कुछ भीड़ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है कुछ क्या, तो हल्ला हल्ला हो रहा है। वीडियो एडिट कर रहे हैं क्योंकि खाना खा लिए, ये देखिए पापा वीडियो एडिट करेंगे, ये दूसरे मोबाइल से बनाया हुआ। तो आज के लिए इतना ही।